था, गंगा जमुना सरस्वती। मैंने बोला वाह भैया, ऐसा ना करें हम लोग फिर से लड़ाई पे मजबूर हो जाएं। ऐसा अगर किसी का घर बसा ना सके तो किसी का घर उजाड़ने का काम आप लोग मत करिए। थ्री, हम सबकी वीडियो से किसी को ढेर पहुंचाओ तो हम सभी लोग मिलकर माफी मांगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और एक फिर से नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और दोस्तों आज हम बात करेंगे चंदा भाभी के बारे में और गोरखपुरिया भाई जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों अच्छी बात होनी चाहिए, हम पहले भी कहते थे बैठ कर बस समझ लेते तो लड़ाई झगड़ा इतना ना होता दोस्तों, तो फाइनली ये चीज़ हो गया है। बैठ कर दोनों लोग समझी और सुलह हो गया है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा हो गया था बट अब जो है सुलह हो गया है। तो वो ना किसी के बारे में वीडियो बना रही हैं, ना वो लोग किसी के बारे में वीडियो बना रही हैं, जैसे चंदा भाभी हैं और राधा राज हैं। तो दोस्तों दुख की बात तो है ही, उनका चैनल डिलीट हो गया, वो वापस तो आ नहीं सकता, तो बहुत बड़ी दुख की बात है दोस्तों फाइनली। लेकिन कल वो लोग माफ़ी वाफ़ी मांग रही थी, चंदा भाभी और जो है कि राधा राज थी और करमचंद भैया थे और भी एक दो चार लोग और थे जो कि माफ़ी मांग रहे थे कि जो हो गया सो हो गया, अब लड़ाई झगड़ा आप लोग मत करिए और सब मिलजुल कर जो है कि अपना अपना कमाए खाएंगे। और साथ कह रहे थे कि साथ तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, बाकी जो है कि मतलब अपना अपना कमाए खाएं, किसी से ना कोई लेना ना कोई देना। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, मेरा तो यही बार बार कहना था दोस्तों, हर एक ब्लॉग में मैंने ये बात ज़रूर कही है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, कि YouTube सबका है दोस्तों, मिलजुल कर आप लोग काम करिए, अपना अपना घर चलाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। और लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गोरखपुरिया भौजी से हम कहना चाहेंगे, मेरा एक सवाल है गोरखपुरिया भौजी से कहना चाहेंगे कि जैसे वो लोग माफ़ी मांग ले तो आप भी इस बात को उनको सहमति दीजिए कि हाँ चलिए अब हमारे तरफ से भी कोई चीज़ की पहल नहीं होगी और जो है कि लड़ाई झगड़ा अब नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों कि थोड़ा बहुत पहल गोरखपुरिया भौजी के ही तरफ से हो जाती है, हर बार हो जाती है दोस्तों। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बात को हम दोबारा नहीं उठाना चाहते, जो हो गया सही हो गया दोस्तों, अब सब कुछ सही है दोस्तों। कुछ गोरखपुरिया भौजी की गलती रहती है तो कुछ जो दो चार लोग रखी रहती हैं उन लोगों की गलती रहती है। जब गोरखपुरिया भौजी इतना कहती हैं तो वो सारे लोग और बढ़ा चढ़ा के अपना व्यूज कमाने के लिए उल्टा सीधा बकने लगते हैं, तो ये सब गलत बात है दोस्तों। आप लोग कमाइए खाइए अपने अपने घर में और अपना अपना घर चलाइए। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो है कि हर कोई अपना अपना घर चला रहा है, रोजी रोटी चला रहा है। और जो है कि कितने अभी ना हो YouTube तो कितने लोग तो भूखे मर जाएंगे दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अच्छे से काम करिए YouTube पर और किसी से ना लेना ना किसी से देना। आपके पास कोई आए तो आप सपोर्ट करिए, आपके पास कोई जाए तो आप सपोर्ट करिए, ना आप किसी का जलन करिए ना आप किसी का जलन करिए, क्योंकि सपोर्ट भी करना ज़रूरी है दोस्तों। पब्लिक के बलबूते पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे इन लोगों को बड़े क्रिएटरों को कह रही हूँ, पब्लिक के बलबूते पर हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और कोई इतनी दूर से हर्जा खर्चा करके जाए तो थोड़ा सपोर्ट कर देना चाहिए भाभी जी, आपको मैं कहती हूँ सपोर्ट कर देना चाहिए। सपोर्ट करने से क्या होता है कि देखिए आपको भी तो किसी ने सपोर्ट किया था, इसी पब्लिक ने तो आपको सपोर्ट किया था तो आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो चलिए दोस्तों अच्छी बात है, सारा मतलब मलाल दूर हो गया है, अच्छे से अब सब लोग रहेंगे अपना अपना। और दोस्तों और वो माफ़ी मांग ली हैं, आप भी थोड़ा उनको सहमति दीजिए कि हाँ मेरे तरफ से अभी किसी चीज़ की पहल नहीं होगी। वैसे तो समझौते में दोस्तों ये बात हो गई थी कि गोरखपुरिया भौजी से भी ये बात कहा गया था, उन्होंने भी चंदा भाभी और राधा राज से ये बात कही थी कि कोई मामला होता है तो पहले मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या ये बात सही है कि झूठ है। हर एक मामले को यूट्यूब पर लाना सही नहीं होता, पर्सनल झगड़े को। तो गोरखपुरिया भौजी ने भी हाँ किया है और चंदा भाभी और राधा राज ने भी हाँ किया है कि चलिए कोई मामला होगा तो पहले समझ लिया जाएगा, उसके बाद ही यूट्यूब पर डाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है।
और दोस्तों मेरा ब्लॉग पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, और मुझे भी सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आप लोग देख सकते हैं दिन भर काम करती हूँ आपके लिए, वीडियो भी बनाती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। और प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मेरी वीडियो देखा करिए और लाइक करिए, और नए जितने भाई बहन आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और थोड़ा गरीब का भी भला हो जाएगा दोस्तों। और ये मेरे पति हैं, नहा वहा के आए हैं, अभी हम नहा के आ रहे हैं दोस्तों, अभी खाना वाना खाएंगे फिर ड्यूटी जाना है, तो आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग अच्छे से काम करिए, और जो बीच में फ़ायदा उठा रहे थे उनके मुंह पर तमाचा मारिए। तो हम भाभी से कहना चाहेंगे बहुत बहुत अच्छी बात, बाय।